बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरे मज़े मज़े के खाने देख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी की रेसिपी वैसे तो मेरे चैनल बहुत सारी मैंने बनाई है और हर तरह की बिरयानी बनाई है, तो मैंने सोचा कि चले एक और बिरयानी बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने बाज़ार के पैकेट से बनाई है बॉम्बे बिरयानी, और ये वाकई बड़ी लाजवाब बिरयानी बनी थी और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी और झटपट बनने वाली है, कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ार का पैकेट हमने इस्तेमाल किया है तो इसलिए इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो आराम से इसको बना सकते हैं। और बिगनर्स ख़ास तौर पे जो नई बच्चियाँ हैं वो इसको आराम से बना सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरे इसको ज़रूर ज़रूर बनाइएगा, हम लोग को यकीनन बहुत पसंद आएगी। चले देखें हम इसको किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, ये मैंने देख चली, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था तकरीबन 1 कप भर के, और साथ ही 4 से 5 मिनट प्याज थी जिसको रफली मैंने चॉप कर लिया था। अब इस प्याज को हम जो है वो गोल्डन करेंगे, इसको अच्छा सा ब्राउन प्याज करेंगे, इसको अच्छे से फ्राई करिएगा। अच्छा, मुझसे बहुत बारीक नहीं कटी थी तो मैंने ऐसे ही कर ली थी, तो ये देखें बहुत ज़्यादा भी नहीं करिएगा। देखें ये हो गई है, अब हम इसको इसमें से आधी प्याज जो है निकाल लेंगे। और आधी प्याज हम इसी में शामिल कर देंगे, और इसमें हम साबित गरम मसाले डालेंगे। ज़ीरा है, गरम मसाला, दालचीनी, छोटी इलायची, बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के। अच्छा, मसालों में बिरयानी मसाले के अभी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लिया है, पिसी मिर्चें हैं, हल्दी और धनिया है, ये सब 1-1 मैंने टीस्पून लिया है, और बिरयानी का मसाला 1 टेबल स्पून लिया है। अच्छा, मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनिएगा इसको, और भूनने के बाद अब मैं इस पर डालूँगी चिकन। तकरीबन 1 kg चिकन है मेरे पास, मिक्स है ये। चिकन को अच्छे से भून लीजिए तक इसकी एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए इसमें से, और चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब देखिए चिकन भून गई थी, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे मुझे इसको भूनने में। अच्छा, बिरयानी का जो मसाला बचा था वो तकरीबन 2.5 टेबल स्पून होगा, उसमें मैंने तकरीबन 1 पाव दही शामिल किया है। अच्छा, दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसी मसाले के अंदर, और ये अब हम पूरा शामिल कर देंगे इसमें अपने चिकन के अंदर जो हम कौरमा बना रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करिए, और पानी नहीं शामिल करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि दही का पानी अपना होता है और चिकन जल्दी गल जाती है, तो पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, बस को कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। अच्छा, अब हमने एक तरफ पानी चढ़ाया है, इसमें है ज़ीरा डाला, शाह ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, थोड़े से खड़ा गरम मसाला यानी साबुत, और हरा धनिया पुदीना। ये डालने से इतनी अच्छी खुशबू आती है चावलों में, तो ये ज़रूर आप लोग हरा धनिया पुदीना डालिएगा। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी शामिल किया और इसको कवर करके रख दिया। अच्छा, चावल हमें 80% जो है वो लेने हैं, बहुत ज़्यादा पूरे फुल डन नहीं करिएगा, ताकि 20% जो हमारे रह जाएंगे वो हम दम पे लगाएंगे। अच्छा, ये झोल बना रहे हैं, देखें इसमें टमाटर लेने थे 4 से 5 मैंने लिए थे तकरीबन, वो मैंने जब हमारा कौरमा तैयार हो गया, तो अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची 6 अदद थी साथ, वो मैंने बीच में से 2 कर ली थी, और हरा धनिया पुदीना बहुत सारा था, समझे 1-1 मुट्ठी के बराबर वो मैंने ले लिया था, और साथ ही आलू थे वो मैंने लिए थे, इसको मैंने जर्दे के रंग में भिगो दिए थे आलू को, सॉरी बॉईल कर लिया था, अब मैं वो पूरा इसमें शामिल करूँगी। आलू को फुल डन कर लीजिएगा। बस इसी तरह से सारे मसाला लगा देंगे हम। और ये साथ ही इसमें मैंने गरम मसाला पूरा 1 टीस्पून भर के डाला है,
और हाफ टी स्पून में जावित्री जायफल का पाउडर ये ज़रूर डाला करिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। ये मैं पीस के रखती हूँ हमेशा से, हर उसमें मैं खाने में डालती हूँ, और थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज शामिल की। और अब हमने जो चावल निकाल के रखे थे वो हम चावल सारे इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, हमेशा जो बाज़ार वाले बनाते हैं बिरयानी वो ज़रूर जो है ना नीचे मसाला रखते हैं, ऊपर चावलों की तह लगाते, तो मैं भी हमेशा बिरयानी ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हो गया है तैयार। और अब हम इसमें, मैंने पानी थोड़ा सा निकाला था जब मैं चावलों को पसा रही थी, तो उसमें मैंने जर्दे करा है, और इसमें थोड़ा सा प्योरा वाटर शामिल किया है। अब मैं इसको चावलों के ऊपर लूँगी कलर, तो आप लोग ज़रूर इस तरह से पानी निकालिया करिएगा, क्योंकि जब हमने 20% हमारे रह गए थे तो वो वापस इसमें हो जाएंगे। और अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। उस वक्त तो मैंने तेल डाला था, लेकिन अब मैं घी डाल रही हूँ। घी डाल के मैं इसको दम पे रखूँगी। हाँ, साथ ही मैंने इसमें प्याज शामिल की जो थोड़ी सी बच गई थी ऊपर। अच्छा, इसमें मैंने घी शामिल किया, आप लोग इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी लग रही है, देखने में इतनी अच्छी तो खाने में बहुत लजीज थी ये। और ये देखें तैयार हो गई है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ और इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी बनी है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन इसको प्रेस करें, आने वाली मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। एक एक दाना देखें चावल का बिल्कुल अलग अलग है। ये देखें लुक वाइज देखें आप। चलें, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन इसको प्रेस करें, आने वाली मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।